नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन चैनल पे। आज हम लोग चैंपियन ऑफ स्टडी जीके में क्लास नंबर 5 देखेंगे। इस क्लास में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आई बटन पर भी लिंक आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज भी 10 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है सब हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो पार्ट नंबर 2 है, जैसे कि मैं बताया पार्ट 1 के लिए आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन IUCN, नाम सुने होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है एग्जाम में IUCN का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लेन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को और इसका हेड है आइवोनी हिग्रो, इसका हेड है। ठीक है, आगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF जिसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जनवरी 1971 को और क्लोज स्वाब इसका हेड है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF। इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिख जर्मनी में। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1907 में। इसका प्रेसिडेंट है व्लादिमिर लेशिन। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है 4 नंबर ब्रिक्स, जो कि इसका फुल फॉर्म इसमें ही है, ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर का है संघाई चाइना में। एस्टैब्लिशमेंट 2009 में हुआ था और KB कामत इसका आपका सेक्रेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, AI बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। एस्टैब्लिशमेंट जुलाई 1961 में हुआ था। कुमनी नायडू इसका सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल इसका कुमनी नायडू है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन यूनाइटेड किंगडम। एस्टैब्लिशमेंट 11 दिसंबर 1931 में हुआ था और इसका सेक्रेटरी कौन है? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है, हेड इसका है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। आगे चलेंगे 7 नंबर पे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है OPEC, जो कि पेट्रोलियम का एक्सपोर्टिंग करता है। इसका फुल फॉर्म भी वही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना का ऑस्ट्रिया में। एस्टैब्लिशमेंट सितंबर 1960 में हुआ था और इसका हेड सेक्रेटरी जनरल कौन है? मोहम्मद बार्किंडो इसका सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। एस्टैब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और इसका सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्कोल्टेनबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग का अमेजन, जो कि कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन US यूनाइटेड स्टेट्स। एस्टैब्लिशमेंट जुलाई 5, 1994 और जेफ बेजोस इसका प्रेजेंट में हेड है। ठीक है, नेक्स्ट ट्विटर आप सभी को पता होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। एस्टैब्लिशमेंट 21 मार्च 2006 में हुआ था। CEO है जैक डोर्सी। ठीक है, तो 10 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख चुके हैं। अगले वीडियो में बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सका है उसको पहले देखेंगे। बाकी स्टडी जीके जो है ऐसे चलते रहेगा सीरीज। आपको कैसा लग रहा है ये भी बता सकते हैं और पार्ट 1 भी आई बटन पर लिंक आ रहा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।